हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट सिक्स क्लास की वीडियो के अंदर, आईटी की वीडियो के अंदर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसको हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था। दो पेज हमने इसके कर लिए थे। ये हमने फर्स्ट पेज किया था, ये हमने फर्स्ट पेज किया था कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट का, ठीक है, जिसमें हमने डाटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क के बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने बेनिफिट्स ऑफ द कंप्यूटर पढ़े थे एंड हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क ही किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज यू टू एंटर डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड कमांड्स इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस उस हार्डवेयर डिवाइस को कहते हैं जो आपको अपने डाटा को, अपने इंस्ट्रक्शंस को, अपने कमांड को कंप्यूटर के अंदर एंटर करने की परमिशन देता है, जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर के अंदर डाटा को एंट्री करा सकते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? देखिए, आपके इनपुट डिवाइस सबसे पहले क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट कंटेन्स की एंड यू प्रेस इट्स की टू टाइप इंफॉर्मेशन एंड टू एंटर इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू फॉलो। कंप्यूटर के एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसके अंदर आपकी की होती है। जैसे ये आपका कीबोर्ड है, आपने कंप्यूटर लैब के अंदर भी कीबोर्ड देखा होगा इस तरह से, जिसके अंदर कीज होती है, जिनकी हेल्प से आप अपने डाटा को, अपने इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर कीबोर्ड टिपिकली हैव 101 एंड 105 की। जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर मेनली जो आपकी कीबोर्ड के अंदर कीज होती है वो 101 से लेकर 105 तक कीज होती हैं। ये जो कीबोर्ड होते हैं आपके यूएसबी पोर्ट से अटैच होते हैं, यानी कि इनके अंदर एक वायर होती है जो आप यूएस कंप्यूटर के सीपीयू के यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं। एक वायर होती है ना जो सीपीयू के अंदर लगती है, उसके साथ अटैच होती है। नेक्स्ट है आपके टाइप ऑफ कीबोर्ड। हमारे पास यहाँ पर अलग अलग टाइप के कीबोर्ड है। सबसे पहले है हमारे पास वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है कि वायरलेस, यानी कि उसके पास वायर नहीं होगी। वायरलेस की इज अ कीबोर्ड पावर डिवाइस दैट ट्रांसमिट डाटा टू द सिस्टम यूनिट यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी। एक वायरलेस कीबोर्ड क्या होता है? जिसके अंदर वायरलेस नहीं होती, जिसके अंदर वायर नहीं होती और ये वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। दिस कीबोर्ड डू नॉट हैव एनी वायर कनेक्टिंग द कीबोर्ड टू द सिस्टम यूनिट। इस कीबोर्ड के अंदर कोई ऐसी वायर नहीं होती जो आपकी सिस्टम के अंदर कनेक्ट होती है। नेक्स्ट होता है कॉम्पैक्ट कीबोर्ड। कॉम्पैक्ट कीबोर्ड क्या होता है? लैपटॉप कंप्यूटर हैव हैड हैंडल्ड कंप्यूटर। जैसे कि आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं, वो लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर क्या होते हैं? हैंड हैंडल्ड, यानी कि जिसको आप अपने हाथों से हैंडल कर सकते हो, ये इनके अंदर होता है कॉम्पैक्ट कीबोर्ड। आप तो देखते हो ना कि लैपटॉप के अंदर जो आपका कीबोर्ड होता है वो साथ में ही अटैच होता है, लैपटॉप की स्क्रीन के साथ ही, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट कीबोर्ड बोलते हैं, विच इज स्मॉलर देन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड। जो आपका मेन ये वाला कीबोर्ड होता है इससे छोटा होता है एंड यूजली डज नॉट इंक्लूड एनी न्यूमेरिक कीबोर्ड कीपैड। और इसके अंदर क्या होता है? जैसे इसके अंदर कई बार क्या होता है कि भी आपका न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है, कई बार नहीं होता। न्यूमेरिक कीबोर्ड क्या होता है? ये जो होता है ना नंबर्स, ये जो लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं न्यूमेरिक कीबोर्ड, जिसके अंदर आपके 1 2 0 लिखे होते हैं। किसी किसी कीबोर्ड लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर ये नहीं होते हैं। जैसे ये आपका मोबाइल के अंदर इस तरह से कीपैड होता है ना, इसके अंदर 1 to 10 का कीपैड तो नहीं होता है, वो साथ में आपके इन्हीं A to Z के अंदर ही इंक्लूड होते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट कीबोर्ड, जिसके अंदर आपके 1 to 0 किसी किसी में होते हैं और किसी किसी में नहीं होते हैं। दीज कीबोर्ड्स आर बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द सिस्टम यूनिट एंड और परमानेंटली अटैच्ड विद द हिंग्स। हिंग्स के साथ, यानी कि हिंग्स क्या होते हैं? आपके बटन टाइप होते हैं जो कि इनके कंप्यूटर के इनकी इन स्क्रीन के साथ ही आपके जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट आपका वर्चुअल कीबोर्ड, जो कि आपके आजकल के स्मार्टफोन के अंदर आता है, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल कीबोर्ड। जैसे आप कुछ टाइप करने के लिए आप स्क्रीन खोलते तो अपने आप ही आपका कीबोर्ड ऊपर आ जाता है, पॉपअप हो जाता है, और जब आप उसको बैक करते हैं तो वो कीबोर्ड नीचे चला जाता है, उसको बोलते हैं वर्चुअल कीबोर्ड, जो कि आजकल आपके स्मार्टफोन के अंदर आता है। वर्चुअल कीबोर्ड इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज टू यूज एंटर टेक्स्ट, जिससे आप टेक्स्ट एंटर करते हैं, जो कि आपके स्मार्टफोन और टैबलेट के अंदर आपके स्क्रीन के ऊपर ही आपका कीबोर्ड विजिबल होता है।
नेक्स्ट आता है आपका बैरले कीबोर्ड। ये क्या होता है बैरले कीबोर्ड? क्या इज अ टाइप ऑफ कीबोर्ड विच इज डिजाइंड फॉर ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, जो कि अंधे लोग होते हैं जो देख नहीं सकते, तो वो लोग क्या करते हैं उनके लिए जो कीबोर्ड होता है उसको बोलते हैं बैरले कीबोर्ड। इसके अंदर क्या होता है सीरीज और डॉट लगे होते हैं, उन डॉट को वो अपने हाथों से पहचान कर फिर टाइपिंग करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बैरले कीबोर्ड। नेक्स्ट है आपका माउस। माउस क्या होता है? माउस क्या इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, एक पॉइंटर होता है ना आपका माउस उसका, जैसे आप माउस को, जैसे आप, मैं ये है अपने माउस को स्क्रॉल कर रही हूं, तो ये क्या है, ये एक पॉइंटर है, पॉइंटिंग डिवाइस है, दैट फिट कंफर्टेबली अंडर द पाम, जो आपकी हथेली के नीचे आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा लैब के अंदर इस तरह से आपका माउस होता है, आपकी हथेली के नीचे आ जाता है और आप अपनी हथेली से उसको यूज करते हैं। यू कैन मूव माउस का यूज हम किस लिए यूज करते हैं, सिलेक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए स्क्रीन के ऊपर आपके कर्सर को, एज वेल एज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, जैसे हम उसे इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। माउस के पास टू बटन होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट और एक स्क्रोलिंग व्हील, जैसे ये इसका स्क्रोलिंग व्हील, ये लेफ्ट बटन और ये राइट बटन। द बॉटम ऑफ द माउस, जो इसका बॉटम होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है वो फ्लैट होता है, और इसके अंदर क्या होता है डिटेक्ट करने की एक माउस के कर्सर को डिटेक्ट करने की एक मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट है आपके पास टाइप ऑफ द माउस। यहाँ पर हम देखेंगे टाइप ऑफ द माउस, सबसे पहले होता है हमारा मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस के अंदर क्या होती है, एक रबड़ बाल होती है इसके इनसाइड में। एज द यूजर मूव्स द माउस अराउंड द डेस्कटॉप, जैसे ही डेस्कटॉप के चारों ओर कर्सर को मूव करता है वो बॉल रोल करती है उस मूवमेंट के चारों और माउस की मूवमेंट को डिटेक्ट करती है। नेक्स्ट है ये ऑप्टिकल माउस, जैसे कि आपने अपने लैब के अंदर देखा है, ठीक है, उसको हम ऑप्टिकल माउस बोलते हैं। माउस यूज लेजर टेक्नोलॉजी टू कंपेयर एंड ट्रैक द पोजीशन ऑफ द माउस। इसके अंदर एक लेजर टेक्नोलॉजी है, देखोगे ना आपने एक लाइट सी रेड कलर की लाइट जलती रहती है इसके नीचे आपकी कंप्यूटर लैब के अंदर, तो उसको बोलते हैं लेजर टेक्निक का यूज करते हैं। और इसके अंदर रेदर देन ए बॉल, इसके अंदर कोई बॉल नहीं होती, ये सिर्फ इस लेजर टेक्निक का यूज करके माउस की मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है आपका वायरलेस माउस। जैसे आपके वायरलेस कीबोर्ड होते हैं इनमें वायर नहीं होती, इसी तरह आपके वायरलेस माउस होता है, ये सिर्फ ऐसे माउस होते हैं, इनके अंदर टेक्निक नहीं होती, ये बैटरी पावर्ड होते हैं, इनके अंदर बैटरी होती है जो कि आपके डाटा को वायरलेस टेक्नोलॉजी, इनके बिना वायर के डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, किसकी हेल्प से, जैसे रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड लाइट वेव्स की हेल्प से। नेक्स्ट आपका एयर माउस। ए इस तरह के एयर माउस होते हैं, ये आपके एयर माउस है, न्यूअर टाइप ऑफ मोशन सेंसिंग माउस, एक नए टाइप के माउस होते हैं जो आपकी मोशन को सेंस करते हैं कि आप किस तरह से अपने माउस को सेंस, किस तरह से उसकी मोशन को वो पहचान सकते हैं। इन एडिशन टू टिपिकल बटन, इसमें बटन नहीं होते जैसे कि पुराने माउस में जो बटन होते थे। यू allow you to control object for the moving in predetermined direction through the air. ये air में जैसे आप इस mouse को move करते हो वो अपने आप ही उसकी direction को detect कर लेते हैं। Next होते हैं आपके touch mouse। ये देखिए इस तरह से आपके ये touch mouse है। ये touch mouse is a touch sensitive mouse। इसमें क्या होता है जैसे आपके laptop में एक touch pad होता है ना जिसपे आप touch करते हो अपने touch gesture से, जैसे आप उसको उसमें press करते हो तो वो अपनी आपकी जो जितने भी movement है वो detect कर लेता है। Swipe your thumbs on the mouse to स्क्रोल द पेज, जैसे ही आप अपने उस टच पैड पे अपने हाथों को स्क्रोल करते हो तो आपका जो पेज है वो भी स्क्रोल होता है। जैसे अब मैं ये आपका पेज स्क्रोल करना है तो मुझे, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर अपनी उंगलियों को स्क्रोल कर रही हूँ तो ये स्क्रोल होता जा रहा है, उसको भी क्या बोलते हैं टच माउस। नेक्स्ट होता है इसी तरह होता है आपका टच पैड। टच पैड क्या होता है, एक फ्लैट प्रेशराइज सेंसिटिव, इनके प्रेशर सेंसिटिव, इसके ऊपर जैसे आप प्रेशर लगाते हो ना थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर डालते हो तो वो सेंसिटिव होता है, उसको वो अपने आप ही उसको डिटेक्ट कर लेता है, उसको बोलते हैं टच पैड, जो कि जिस तरह से इसमें दिखाया है ये आपका लैपटॉप में होता है। यू कैन मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन बाई मूविंग योर फिंगर अलोंग द सर्फेस ऑफ द पैड। इस पैड के ऊपर जैसे आप अपनी फिंगर्स को मूव करते हो तो आप अपने माउस को भी मूव कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। ऑन सम टच पैड यू कैन नाउ टैप द पैड टू यूज द माउस ऑपरेशन, आप उसको उसके ऊपर टैप करके भी, थोड़ा सा हल्का सा टैप करके भी माउस को यूज कर सकते हो, या आप गेस्टर्स लगा सकते हो, अपना स्वाइप कर सकते हो, पिंच कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, जैसे हम टच स्क्रीन पे स्ट्रेच करते हैं ना जूम आउट करने के लिए, जूम इन करने के लिए, इस तरह
तरह से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जॉयस्टिक, जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये किस लिए यूज की जाती है? कंट्रोल द एक्शन ऑफ द माउस इन अ कंप्यूटर गेम। एक कंप्यूटर गेम के अंदर जब हम गेम खेलते हैं तो इस तरह से हम जॉयस्टिक का यूज करते थे पहले, इस तरह से लेफ्ट में घुमाने के लिए, राइट में घुमाने के लिए, आगे करने के लिए। एक वर्टिकल लीवर होता है, ये इसको बोलते हैं लीवर। ये वर्टिकल लीवर होता है माउंटेड ऑन द बेस, ये इसका बेस होता है, बेस के ऊपर लगा हुआ होता है। यू मूव द लीवर इन डिफरेंट डायरेक्शन टू कंट्रोल द एक्शन ऑफ द गेम। जैसे मैंने अब तक को बताया कि लेफ्ट राइट ऊपर नीचे अप बॉटम में हम इसको मूव करते हैं ताकि हम गेम के एक्शन को कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट आपका ग्राफिक टैबलेट, ये बेटा आपका ग्राफिक टैबलेट होता है। इसके इस कॉल्ड द डिजिटाइजर, इसको हम डिजिटाइजर भी बोलते हैं। ये इनपुट डिवाइस है, स्पेशल पेन होता है इसके ऊपर, जैसे ये स्टाइलस होता है, स्मार्ट क्लास के अंदर हम यूज करते हैं इसको। जो भी हम इमेज इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, जो भी हम इसके ऊपर इस पैड के ऊपर लिखेंगे, वो आपका डायरेक्ट कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन यानी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लिखा जाएगा, उसको बोलते हैं ग्राफिक टैबलेट। नेक्स्ट है टच स्क्रीन, जैसे कि आपके कंप्यूटर के अंदर टच स्क्रीन होता है, एटीएम मशीन के अंदर टच स्क्रीन होता है, आपके स्मार्टफोन के अंदर टच स्क्रीन होता है, वो टच स्क्रीन भी क्या होता है? एक इनपुट देने के लिए काम आता है, विच इज एक्शन यू कैन टच विद योर फिंगर टू इनपुट द इंफॉर्मेशन। आप अपने फिंगर से टच कर सकते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए। आपकी फिंगर एज ए पॉइंटिंग डिवाइस यूज कर सकते हैं, जैसे टैबलेट में भी आती है टच स्क्रीन, पीसी में भी, स्मार्टफोन के अंदर, एटीएम के अंदर भी आपकी स्क्रीन आती है। यहाँ पर दे रखा है गेस्चर की आप कैसे टैप कर सकते हैं, एक सिंगल टैप करना है, डबल टैप करना है, प्रेस एंड होल्ड करना है, ड्रैग एंड स्लाइड, स्वाइप करना है, स्ट्रेच करना है, उसको पिंच करना है, ठीक है। तो ये मैंने बताया था ना, जूम इन जूम आउट करते हैं आप, उसको स्क्रॉल करते हैं, मूव द आइटम ऑन द स्क्रीन, एक तरह से दूसरी स्क्रीन पर मूव कर सकते हैं, डिस्प्ले द शॉर्टकट मेनू, उसको प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट मेनू उसका बन जाता है। ये कॉमन यूज है कुछ गेस्चर्स के, यानी कि जो आप अपने हैंड से यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गेस्चर्स। क्या बोलते हैं? गेस्चर्स। नेक्स्ट है आपका मोशन इनपुट, मोशन इनपुट भी होता है। देखो ये एक नई टेक्निक आई है कि मोशन इनपुट लेट द यूजर गाइड ऑन द स्क्रीन। जैसा आप बाहर मूव करते हो ना इस तरह से, तो वैसे ही आपका अंदर भी आपका मूव करता है। जैसे इसमें दिखा रखा है स्क्रीन में, ये लड़की बाहर जैसे मूवमेंट कर रही है, अंदर ये वाली जो लड़की है ये भी अंदर वैसी ही मूवमेंट कर रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोशन इनपुट। एयर गेस्चर इन्वॉल्व इन द मूविंग योर बॉडी एंड हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस थ्रू द एयर। एयर के अंदर आप बाहर जैसी मूवमेंट करते हो, अंदर का जो बॉडी है वो भी वैसी ही मूवमेंट करती है, ठीक है। विद द मोशन इनपुट डिवाइस कंटेन अ कैमरा डिटेक्ट योर गेस्चर। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक कैमरा लगा होता है जो आपके गेस्चर्स को डिटेक्ट करता है कि आप किस तरह के गेस्चर्स दे रहे हो, और उसको डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देता है और अपने कंप्यूटर को और गेमिंग डिवाइस को सेंड कर देता है कि आप इस तरह से मूव कर रहे हो तो आगे वाला भी इसी तरह से मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, गेमर कैन पुल देयर आर्म्स टू कंट्रोल बैक एंड थ्रो द जेवलिन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे इन्होंने जेवलिन दे रखा है तो ये इसको जेवलिन थ्रो करके बता रहे हैं कि आप इस तरह से उसको थ्रो कर सकते हो। नेक्स्ट हो जाता है, नेक्स्ट होता है आपका डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी इनपुट लेने के लिए काम आता है, जिसको हम डिजी कैम बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस यूज टू कैप्चर एंड स्टोर द फोटोग्राफ इलेक्ट्रॉनिकली इन द कंप्यूटर। हम क्या करते हैं, डिजिटल कैमरा से लैपटॉप में जो हमारा कैमरा होता है उसे, या स्मार्टफोन में जो हमारा कैमरा होता है उसे हम पिक लेते हैं, वो भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जो हमारी वॉइस को कैप्चर करता है, यानी कि वॉइस के थ्रू हम इनपुट देते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना स्मार्टफोन के अंदर जो हमारा हे गूगल होता है उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम इनपुट देते हैं, तो वो भी क्या है, हमारा माइक्रोफोन एज अ इनपुट डिवाइस है। वॉइस इनपुट डिवाइस है, किस लिए यूज किया जाता है, सेंड आवर वॉइस इन टू द कंप्यूटर। हमारी वॉइस को कंप्यूटर के अंदर सेंड करने के लिए यूज होता है। यू कैन यूज द माइक्रोफोन फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग। तभी के तभी आपको मैसेज देना हो, एकदम से आपने अपने कंप्यूटर को या फोन को मैसेज देना, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, माइक्रोफोन का यूज कर सकते हैं। दैट सपोर्ट वॉइस कन्वर्सेशन रूम चैट रूम्स एंड सपोर्ट वॉइस चैट्स एंड वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। जैसे आप कई बार लोग भी होते हैं जो आपके वॉइस रिकॉग्नाइजेशन से खुलते हैं, आप बोलते हो कुछ तभी खुलते हैं। चैट रूम्स भी होते हैं जिसमें आप अपने बात कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्कैनर, नेक्स्ट जो है आपकी इनपुट डिवाइस है दैट इज स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा फोटोकॉपी की दुकान पे आप अपनी फोटोकॉपी कराने जाते हैं, डॉक्यूमेंट स्कैन कराने जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट सकते हैं फिर वो की स्कैन करके उसकी यू की फोटोकॉपी निकाल देता है, तो वो भी क्या होता है, एक टाइप का इनपुट डिवाइस है। यूज टू सेंड इमेजेस एंड टेक्स्ट डायरेक्टली टू द कंप्यूटर। जैसे कि जैसी इमेज होती है आपकी यू की, वो सारी इनपुट आपके कंप्यूटर को भेज देता है और वहां से आपकी जो भी फोटोग्राफ्स है, ड्राइंग है, लोगोज है, या भी जो भी कुछ लिखा हुआ है, वो यू का यू आपका प्रिंट आउट निकला।
जाता है या कंप्यूटर के अंदर इनपुट भी चली जाती है। इस तरह से हमारे पास दो स्कैनर होते हैं, एक तो होते हैं फ्लैट बेड स्कैनर, एक होते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर क्या होते हैं, दे स्कैनर वर्क सिमिलर टू द फोटोकॉपी मशीन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोटोकॉपी मशीन के ऊपर एक फ्लैट सा ऊपर होता है, स्कैनर होता रखा होता है, जिसके अंदर आप अपनी फाइल रखते हैं तो वो आपकी फाइल को यूं का यूं स्कैन कर सकता है। एक होता है हैंड हेल्ड, जैसे अगर आप कभी विशाल मेगा मार्ट में गए हो, जब आप बिल कराते हो तो उनके हाथ में एक पकड़े हुए होते हैं ना, जो आपके आइटम्स को ऐसे लाइट डिटेक्ट करते हैं, वो क्या होते हैं आपके स्कैनर होते हैं, जो उसके अंदर पोर्टेबल डिवाइस होती है। ये पोर्टेबल यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आप उनको ले जा सकते हो और हैंड में हैंड कर सकते हैं, और जैसे ही आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको ड्रैग करते हैं तो वो उसके अंदर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी शॉपिंग स्टोर्स पे आप देखते हो, जो भी आपने लिया है, जो भी आपने सामान लिया उसका बिल यू का ये वो इनपुट कर देते हैं कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट होता है आपका बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आपने देखा होगा बहुत सारी शॉप्स पे होता है बारकोड रीडर, यानी कि जो भी आप कोई भी आप सामान लेते हो तो इस तरह से एक बारकोड दिखाई देता है उसके ऊपर। इस बारकोड को रीड करने के लिए जो इनपुट डिवाइस यूज की जाती है उसको बोलते हैं हम बारकोड रीडर। बारकोड क्या होता है, एक सेट ऑफ लाइन्स होते हैं डिफरेंट थिकनेस, अलग अलग थिकनेस की, दैट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, लाइक जो उस प्रोडक्ट जो भी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, उसका प्राइस क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसको बोलते हैं, और इसके लिए हम यूज करते हैं बारकोड रीडर या बारकोड स्कैनर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, जिसको हम बोलते हैं MICR। जैसे जो आप अपने बैंक में लगा होता है, जैसे कई बार हमारी जो चेक बुक होती है, चेक बुक के नीचे यहाँ पर एक बार लगा हुआ होता है, इसको रीड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन रीडर, MICR। ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज हम कैसे लिए करते हैं, रीड करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए। मैग्नेटिक इंक होती है, ये मैग्नेटिक करेक्टर होते हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट जैसे चेक पे, बैंक की जो बुक होती है, पासबुक होती है, उसके ऊपर लिखा होता है और उसको रीड करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? एन आउटपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कन्वे इंफॉर्मेशन टू द यूजर। ऐसी हार्डवेयर डिवाइस जो कि आपकी इंफॉर्मेशन, जो आपने इनपुट दी है उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है, उस जो इंफॉर्मेशन आपको दिखाता है उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे सबसे पहले आपकी मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट लुक्स, जैसे आपका ये जो है ये आपकी स्क्रीन है, जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है ये कैसे दिखाई देती है, ये आपकी टीवी स्क्रीन की तरह दिखाई देती है, और जो भी आपने इंफॉर्मेशन, जो भी आपने काम किया है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद, जो कंप्यूटर ने इंफॉर्मेशन दी है, जो प्रोसेसिंग करने के बाद इंफॉर्मेशन आई है, वो आपको कहां दिखाई देती है? इस टीवी, इस मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन देता है, इसको हम स्क्रीन डिस्प्ले, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये सारी चीजें बोलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रिंटर। ये आपका प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है जो आपको आउटपुट देता है फिजिकल मीडियम, यानी कि हार्ड कॉपी पेपर की फॉर्म में, प्रिंट आउट्स की फॉर्म में आपको ये आउटपुट डिवाइस आउटपुट देता है। ठीक है, इसकी जो इंफॉर्मेशन प्रिंट आउट हमें मिलते हैं पेपर पर, उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। प्रिंटर जो होते हैं वो आपके दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए जाते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर दैट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन प्रिंटर हेड एंड पेपर, जो प्रिंटर का जो हेड होता है, ऊपर का जो हेड है और पेपर के बीच में जिसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है उसको बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, और जिनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता प्रिंटर हेड और पेपर के बीच में उनको बोलते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। टाइप ऑफ प्रिंटर देखते हैं हम, हमारे पास सबसे पहले आते हैं हमारे लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होते हैं? ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। नॉन इंपैक्ट कौन से थे? जिनका प्रिंटर हेड और पेपर के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो पेपर कहीं से डालते हैं हम और निकलता कहीं से है, उसको बोलते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर होते हैं जो यूज करते हैं लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है पेपर पे, जो भी आपने इमेजेस लिखी हुई है पेपर के ऊपर, वो उसको एक एज ए क्वालिटी और उसको प्रिंट करते हैं, उसको पहले स्कैन करते हैं और फिर स्कैन करके उसको प्रिंट आउट निकाल देते हैं, जैसे कि आपका लेजर प्रिंटर की जो फोटोकॉपी मशीन होती है। इट गिव्स द बेस्ट क्वालिटी आउटपुट एंड इज एक्सपेंसिव, ये बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रिंटर होते हैं और बहुत ज्यादा महंगे भी होते हैं। स्पीड ऑफ दिस लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो कैसे मापी जाती है? PPM, यानी कि पेज पर मिनट, एक मिनट में कितने पेज वो प्रिंट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या होते हैं? हमारे इंकजेट प्रिंटर होते हैं, प्रिंटर इज अ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, ये भी आउटपुट
टेक्स्ट होता है, दैट आउटपुट द टेक्स्ट, जो आपके टेक्स्ट की आउटपुट निकाल देते हैं, इमेजेस की निकाल देते हैं बाय स्प्रेइंग इंक ऑन द पेपर। पेपर के ऊपर इंक स्प्रे करते हैं और जो भी आपका लिखा हुआ होता है, जो भी आपकी इमेज होती है, उसके वो प्रिंट आउट निकाल देते हैं। और ये दोनों तरीके से काम करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट भी निकालते हैं और कलर प्रिंट आउट भी निकालते हैं। इनकी जो स्पीड होती है वो आईपीएम सॉरी एलपीएम में मेजर की जाती है, लाइन्स पर मिनट, यानी कि एक मिनट में कितनी लाइन्स को वो प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होती हैं? ये इंपैक्ट प्रिंटर है। वो दोनों जो थे आपके लेजर और इंकजेट नॉन इंपैक्ट प्रिंटर थे, डॉट मैट्रिक्स आ गया आपका इंपैक्ट प्रिंटर, यानी कि जिसमें पेपर और प्रिंटर हेड के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। कंटेन मूवेबल प्रिंट हेड, इसका जो प्रिंट हेड होता है वो मूवेबल होता है, जैसे आपने टाइपराइटर देखे होंगे। विच पिंस दैट स्ट्राइक द रिबन, जो रिबन के ऊपर ये होता है इसका रिबन, ये डायरेक्ट स्ट्राइक करते हैं। प्लेस अ डॉट ऑन द पेपर, पेपर के ऊपर डॉट डॉट लिखते हैं। दीज प्रिंटर आर लेस एक्सपेंसिव, सस्ते होते हैं ये, वर्किंग इनके स्लो होते हैं और बहुत ज्यादा शोर करते हैं। इनकी जो स्पीड है वो सीपीएस में मेजर की जाती है, इनके करेक्टर पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने करेक्टर वो प्रिंट करता है। नेक्स्ट आपका स्पीकर। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, जो कि आपकी म्यूजिक को, स्पीच को एंड अदर साउंड्स दैट यू कंप्यूटर जनरेट ऑन द प्रोसेसर, प्रोसेसर जो और भी कोई वॉइस है उसको आपकी आउटपुट के फॉर्म में देता है, उसको स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका डाटा प्रोजेक्टर। जैसे आपने, जैसे हम लैब में गए थे लास्ट टाइम, आपने देखा होगा एक प्रोजेक्टर रखा होता है जिसके ऊपर हम स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट करके, आपकी जो भी लैपटॉप में मैम चलाती थी वो सारा आपकी स्क्रीन पर आ जाता था, दीवार पर आ जाता था। आपने देखा है ना लैब के अंदर प्रोजेक्टर, हमारे लैब में प्रोजेक्टर लगा होता था। तो इसी तरह डाटा प्रोजेक्टर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो आपके डाटा को प्रोजेक्ट करता है और जो भी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर या जो भी दिखाया जा रहा है वो एक बड़ी स्क्रीन पर आ जाता है और उसकी इमेज बिल्कुल क्लियर होती है। नेक्स्ट होते हैं स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड क्या होता है? स्मार्ट बोर्ड भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि करती है आपकी इमेज को, जो भी आपके कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जो भी इमेज आ रही है उसको एक बड़े से बोर्ड पर दिखाते हैं वाया द डाटा प्रोजेक्टर। इसमें भी प्रोजेक्टर यूज होता है जैसा कि हम लैब के अंदर यूज करते थे। दीज यूज फ्रीक्वेंटली इन द क्लासरूम एज टीचिंग टूल, ये क्लासरूम में टीचिंग के लिए ही यूज किया जाता है और जो भी प्रेजेंटेशन होती है उनको देने के लिए यूज किया जाता है। ये जो स्मार्ट बोर्ड होता है इसको हम दीवार पर भी टांग सकते हैं। तो ये थी आपकी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्टोरेज डिवाइस और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे। ठीक है, आज जितना कराया है उसको आप रीड करेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को।